नमस्कार। खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज एक अनोखी खबर ये है कि ऊंट और ऊंटनी बने दूल्हा दुल्हन। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक अनूठी शादी हुई जिसमें एक ऊंट और एक ऊंटनी की जोड़ी को रब ने अंततः बना ही दिया। विदित हो कि ऊंट समुदाय की इस शादी में हजारों की संख्या में गाँव वाले भी मौजूद थे जिन्होंने पूरी मस्ती और उमंग के साथ जोड़ी के बेहतरीन भावी जीवन की कामना भी की। इस मामले का आश्चर्यजनक पक्ष यह है कि 4 वर्षीय कल्लो उठनी के मालिक नरेश रघुवंशी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। 4 साल की कल्लो की शादी दूसरे गांव के लक्ष्मण सिंह के ऊंट गोपाल से हुई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रिन्हाई गांव में कल्लो की शादी का आयोजन किया गया। इसे अनोखी शादी इसलिए कहा जाता है कि शायद आपने पहले कभी ऐसी शादी के बारे में सुना ही नहीं होगा। यह अनोखी शादी थी ऊंट और उठनी की। कल्लो उठनी की शादी गोपाल नाम के ऊंट से की गई। इस अनोखी शादी को देखने के लिए दूर दूर के गाँव से काफी अधिक संख्या में लोग जुटे थे। दरअसल कल्लो उठनी के मालिक नरेश रघुवंशी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। 4 साल की कल्लो की शादी दूसरे गांव के लक्ष्मण सिंह के ऊंट गोपाल से हुई। शादी में दूर दूर के गांव से आए मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। कल्लो के मालिक नरेश रघुवंशी ने शादी के लिए बकायदा 1000 कार्ड छाप कर शादी का नौता दिया था। उठनी कल्लो को शादी में उपहार के तौर पर काफी पैसे भी मिले। इस शादी को पीपल के पेड़ के फेरे लेकर संपन्न किया गया। नरेश रघुवंशी ने बताया कि अब कल्लो की उम्र 4 साल है। जब मैं इसे लेकर आया था तभी से मैंने ये सोच लिया था कि इसकी शादी पूरे विधि विधान और धूमधाम से करूंगा और अंत में वह दिन आ ही गया जब कल्लो को अपने लिए एक सूटेबल बॉय मिल गया।